mileage. और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा के एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में एक बार एक स्वराज नाम की किताब छपी जिसके लेखक अरविंद केजरीवाल थे। उसमें उन्होंने देश की सरकारों पर आरोप लगाए हैं कि सरकार जनता से पूछे बगैर ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती और खूब पैसे बटोरती है। मगर आज इसके विपरीत हम केजरीवाल से सवाल पूछते हैं कि उनकी सरकार ने किससे पूछकर दिल्ली में शराब के ठेके खोले, उसके लिए किससे कितने पैसे लिए, इसका जवाब कब देंगे। आज मोहल्ला क्लिनिक से, मोहल्ला ठेका केजरीवाल सरकार का मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिलती मगर मोहल्ला ठेके के जरिए घर घर शराब बांटी जा रही है। और आज जब भ्रष्टाचार पकड़ा गया है तो जवाब देते नहीं बन रहा है और तब से मेरी ओर से जवाब मांगा गया है मगर अब तक केजरीवाल अपना मुंह नहीं खोल पाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कवि अंदाज में कविता पाठ के लहजे में केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा है कि वो तो सिर्फ इतना कहेंगे कि बेवड़ी है ये सरकार करती है, कट्टर भ्रष्टाचार और दुनिया भर में इसका कट्टर भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया में नजर आ रहा है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा है कि वो बताएं कि ये मोहल्ला ठेका खोलते हुए किससे क्या क्या लिया, मोहल्ला ठेके में किससे क्या क्या लिया गया है और मॉडल अब ये है कि पैसा दो ठेका लो। केजरीवाल मॉडल डिकोडेड, यू हैव ऑल द पावर to make money through corruption, spend hundreds of crore rupees on your publicity with no accountability, and when you get caught, you have no accountability but you fix liability on someone else. Desh mein kitab chhapi thi jiska naam Swaraj, lekhak Arvind Kejriwal ji. Swaraj mein Arvind Kejriwal ji ne likha hai ki sarkarein जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे। मोहल्ला क्लिनिक से। और इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था, आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी
सब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट, गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश, जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। और शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल की चुनाव संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया है। कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस के कई नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और इस वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।